हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑफ नैनो मटेरियल, और वी कैन से दैट द टेक्निक्स बाय विच वी गेट द नैनो मटेरियल्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होता है कि कल वाले लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने दो तरह की टेक्निक्स जो थी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हमने दो तरह के एक मेथड पढ़े थे कि जिससे हम नैनो मटेरियल्स को बना सकते हैं। देखिए, एक तो था हमारे पास बॉटम अप और एक हमारे पास था बॉटम डाउन। लेकिन देखिए, अब उसके बाद जो है हम लोगों ने आज पढ़नी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो उन टेक्निक्स के जरिए हम लोगों ने नैनो मटेरियल्स को बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले आज जो हम लोग जो दो टेक्निक्स पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग सैम, दैट इज़ अ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड द अदर वन इज़ स्टैम, दैट इज़ अ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इन दोनों में से स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे अच्छी कौन सी होती है, ये हम लोग आपको बताएंगे इन दोनों को पढ़ने के बाद। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है हमारे पास, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, एक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑफ नैनो मटेरियल्स। तो नैनो मटेरियल्स क्या होती हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू होता है हमारे पास 10^-9 मीटर के इक्वल होता है। और नैनोमीटर के जितना हम लोग अगर किसी भी मटेरियल को नैनोमीटर की डायमेंशन पर अगर हम स्टडी करते हैं, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और उसकी जो सब कुछ हमारे पास, और जो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और इन एप्लीकेशन पर्पज़ से जो हम लोग जो यूज़ करते हैं, वो सब कुछ जो है हमारे पास बहुत ही चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हमारे पास हम लोग पढ़ते हैं नैनो मटेरियल्स को। अब देखिए, अब यहाँ पे है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि नाम से मेरे पास लिए इलेक्ट्रॉन, तो मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हमने यूज़ करना है। देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम लोग कैसे यूज़ करें, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सैम टैम आर रिलेटेड टू टेक्निक्स दैट यूजेज एन इलेक्ट्रॉन बीम टू इमेज ए सैम्पल। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास जो भी सैम्पल है, हमें उस सैम्पल की इमेज मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट ऑन ए अल्ट्रा थिन सैम्पल अलाउ फॉर इमेज रेजोल्यूशन दैट आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 to 2 एंगस्ट्रॉम। मतलब क्या होता है, एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बीम को सैम्पल से स्ट्राइक करवाते हैं। जैसे ही वो सैम्पल से स्ट्राइक करते हैं, तो हमारे पास इमेज आ जाती है, और उस इमेज को हम लोग स्टडी करते हैं। और उस इमेज को स्टडी करने के बाद हमें उस सैम्पल से रिलेटेड, उस सैम्पल की सर्फेस की प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कुछ हद तक हमें प्रॉपर्टीज़ उसकी पता चल जाती हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ना है, हमारे पास देखिए जो है हमारे पास है स्कैम, इसको हम लोग देखिए क्या बोलते हैं, ये हमारे पास है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो वही सेम इसमें क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बीम को यूज़ करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है। देखिए स्टूडेंट, क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन की बीम को सैंपल के ऊपर डालेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की बीम को हम लोग सैंपल के ऊपर डालेंगे, तो मेरे पास क्या होगा, सैंपल से हमारे पास क्या होगा, कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास ट्रांसमिट हो जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो स्कैटर्ड हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास स्कैटर्ड हो गए हैं, वो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या करेंगे, एक इमेज को बना देंगे। और उस इमेज को हम लोग स्टडी कर लेंगे, और उस इमेज को स्टडी करते ही हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास उस स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। देखिए, जैसे मैंने बना रखे हैं पॉइंट, देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या है, अ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दैट इमेज अ सैम्पल। वही मैंने कहा है, सैम्पल की इमेज को बताएगा, बाय स्कैनिंग इट विद ए हाई एनर्जी बीम। यही मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की बीम को यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। फिर देखिए सेकेंड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द एटम्स दैट वेक अप द सैम्पल प्रोड्यूसिंग सिग्नल दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द सैम्पल सर्फेस टॉपोग्राफी कंपोजिशन एंड अदर प्रॉपर्टीज। अभी मैंने कहा है, वो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जैसे उसे इंटरेक्ट करेंगे, हमारे पास कंटेक्ट करने के बाद हमारे पास जो स्केटरिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो हमारे पास क्या करेंगे, हमें उसकी सर्फेस की इमेज को बता देंगे, ठीक है। तो देखिए, उसके बाद फिर मैंने थर्ड पॉइंट पर क्या लिखा हुआ है,
दिस टाइप ऑफ सिग्नल प्रोड्यूस बाय सैम इंक्लूड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें हमारे पास कौन से इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, इसमें हम लोग सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। फिर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ, इन द मोस्ट कॉमन एज स्टैंडर्ड डिटेक्शन मोड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इमेजिंग SEI बोलते हैं इसको, द सैम कैन प्रोड्यूस वेरी हाई रेजोल्यूशन इमेज ऑफ ए सैम्पल सरफेस रिजॉल्विंग डिटेल्स आर लेस देन 1 नैनोमीटर इन साइज। मतलब कि अगर आपके पास कोई मान लीजिए एक ऐसा सैंपल है जो कि 1 नैनोमीटर से भी छोटा है, तो 1 नैनोमीटर से छोटा जो सैंपल होगा उसके बारे में भी हमें सारी के सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, जिसका नाम है सैम, दैट इज़ द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो यही हमारे पास है सैम। देखिए इसका एक इसका हमारे पास डायग्राम बना हुआ है, देखिए बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ से हमारे पास है इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन हमारे पास क्या काम करेगी, हमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये मेरे पास लगा हुआ है लेंस, यहाँ से लेंस से मेरे पास इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए हैं, फिर यहाँ से जो स्कैनिंग कॉल जो उस इलेक्ट्रॉन को स्कैन करेंगे, ठीक है, और ये हमारे पास उसका अपर्चर मतलब कि जो विड्थ जो ऊपर से आ रही है उसको डिक्रीज कर दिया। और यहाँ पर मेरे पास हमारे पास क्या पड़ा है, देखिए ये मेरे पास है स्पेसिमैन, और इस स्पेसिमैन से हमारे पास क्या होंगे इलेक्ट्रॉन की इमेज में मिल जाएगी। और इस इमेज को इलेक्ट्रॉन हम लोग कहाँ स्टडी कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं CRT पे, कंप्यूटर फ्रेम स्टोर पे। यहाँ पे हमारे पास जो आपको छोटे छोटे से जो डॉट्स है दिख रहे हैं, मेरे पास क्या होगा इलेक्ट्रॉन की इमेज आ गई, और इस इलेक्ट्रॉन की इमेज को हमारे पास क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास वेव फॉर्म मोनिटर भी लगा हुआ है, सारी के सारा हमारे पास एज इट इज़ हम इसको जो है स्टडी कर लेंगे। और इसको स्टडी करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें सैंपल के बारे में काफ़ी हद तक हमें इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, दैट इज़ अ TAM, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए स्टूडेंट जैसे नाम से क्लियर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब यूज़ तो करेंगे इलेक्ट्रॉन की बीम, ट्रांसमिशन अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसमिट होंगे उसकी इमेज को हम लोग स्टडी करेंगे, और उसकी इमेज को स्टडी करने की हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, हम उस सरफेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल है, देखिए दोबारा समझिए, पूरा टॉपिक इसके नेम से क्लियर है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब इलेक्ट्रॉन की बीम का यूज़ करेंगे, और जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन की बीम को सैंपल से इंट्रैक्ट करवाएंगे तो कुछ सैंपल्स तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे होंगे जो कि हो जाएंगे हमारे पास बैक स्कैटर्ड, ठीक है, डिसअपियर हो जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएंगे जो हमारे पास ट्रांसमिट कर जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मेरे पास ट्रांसमिट करेंगे उन ट्रांसमिशन वाले इलेक्ट्रॉन को हम स्टडी कर लेंगे, और उस ट्रांसमिशन वाले इलेक्ट्रॉन को स्टडी करते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगी, हमारे पास बन जाएगी उसकी इमेज बन जाएगी, और उस इमेज से हम लोग सरफेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स अब बिल्कुल सिंपल है, वन बाय वन पॉइंट पर देखिए, फर्स्ट पॉइंट, TAM operates on the sample basic principle on the light microscope but uses electron instead of light. जैसे light microscope में light use करते हैं, electron microscope में हम लोग क्या use कर लेंगे, light use कर देंगे, ठीक है जी। सेकेंड देखिए point, TAM use electron as light source and their much lower wavelength make it possible to get a resolution 1000 times better than a light microscope. मतलब कि देखिए अगर आप इसमें कम वेवलेंथ अगर आप इसमें यूज़ कर रहे हैं तो मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे जो कम वेवलेंथ के होंगे तो इसका देखिए रेजोल्यूशन लाइट सोर्स से कितना बेटर, कम से कम 1000 times इसका रेजोल्यूशन जो है मेरे पास बेटर है, इतना अच्छा हमारे पास ये माइक्रोस्कोप है। अब देखिए थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखा है, TAM इज़ ए माइक्रोस्कोपिक टेक्निक वर यूज बाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसमिटेड थ्रू एन अल्ट्रा थिन स्पेसिमैन इंट्रैक्टिंग विद द स्पेसिमैन एज इट पासिस थ्रू एन इमेज इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमैन द इमेज इज मैग्नीफाइड एंड फोकस ऑन टू ए इमेजिंग डिवाइस। जैसा कि मैंने कहा था जैसे ही इलेक्ट्रॉन सरफेस या जो सैंपल है उसे स्ट्राइक करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो हो जाएंगे मेरे पास बैक स्कैटर्ड, पर कुछ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ट्रांसमिट, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो जाएंगे वो हमारे पास क्या बनाएंगे इमेज, यही इसमें लिखा हुआ है। और वो जो सैंपल हमारे पास जो इमेज बनाएंगे वो कहाँ बनाएंगे, देखिए वो बनाएंगे सच एज अ फ्लोरोफ्लोरेसेंट स्क्रीन ऑन ए लार्ज ऑन ए लेयर ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म एज टू बी डिटेक्टेड बाय ए सेंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए,
फिर हमारे पास क्या करा है, मतलब कि टैम, अब मैं आपको बता दूं, मैंने कहा था कि सैम और टैम में से दोनों में से अच्छा कौन सा है, तो अब उसका आंसर है स्टूडेंट हमारे पास सबसे अच्छा सैम और टैम में से अगर हम बात करें तो टैम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस मेडिकल लाइन में बहुत ही ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है, हम कैंसर ट्रीटमेंट में इसका यूज़ कर सकते हैं टैम का, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फिफ्थ पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ मटीरियल प्रेजेंट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर स्कैटर्ड एंड डिसअपीयर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास क्या हो गए, स्कैटर्ड हो गए, तो जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो गए तो वो तो हमें दिखे ही नहीं। एट द बॉटम ऑफ द माइक्रोस्कोप द अनस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, अनस्कैटर्ड या फिर हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो जाएंगे, हिट फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर हिट करेंगे, विच गिव राइज टू ए शेडो इमेज ऑफ द स्पेसिमैन, और इससे हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ जो है इसकी ऑब्जर्व हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है फिफ्थ है, अगर टैम आपके एग्जाम्स में आएगा तो आपको लिख के आना है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसका डायग्राम, बिल्कुल सिंपल सा इसका डायग्राम है, इलेक्ट्रॉन का सोर्स यूज़ किया, वो हमारे पास क्या बन गया, एक इलेक्ट्रॉन की बीम बना दी, इस इलेक्ट्रॉन की बीम को स्पेसिमैन के ऊपर स्ट्राइक करवाया, और स्ट्राइक करवाने के बाद इसको एक लेंस से हमने पास आउट करवा दिया, इस बीम को जैसे ही पास आउट करवा दिया तो यहाँ पे मेरे पास क्या लगी हुई है, फ्लोरोसेंट एक स्क्रीन लगी हुई है, और ये वाले जो अनस्कैटर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आके यहाँ पे आएंगे और ये एक सैम्पल की इमेज बना देंगे, और इस एग्जाम्पल को हम यहाँ से ऑब्जर्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास टैम, ठीक है स्टूडेंट। बिल्कुल ही हमारे पास सिंपल हो गया टैम। तो सबसे, अगर आपके पास कल को दो नंबर का क्वेश्चन आता है कि इन सैम और टैम में से सबसे आपके पास मेडिकल पर्पज़ से अगर हम देखें सबसे अच्छी हाई रेजोल्यूशन टेक्निक्स कौन सी है, तो आप लोग जो बोलेंगे वो बोलेंगे टैम, दैट इज़ अ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इसको मैंने याद करने का तरीका ही बता दिया, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसमिट हो जाएंगे वो ट्रांसमिट वाले इलेक्ट्रॉन इमेज बनाएंगे, और उस इमेज को हम लोग स्टडी करेंगे, तो वहाँ से हमारे पास बन